तस्वीरों में गाड़ी से उतरते हुए ये हैं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू। वैसे तो ये चीनी समर्थक हैं, लेकिन ये पहुंचे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में। इस समारोह में उनका आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हाल ही में जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तो उसके पहले वो लगातार अपने देश में इंडिया आउट कैंपेन चला रहे थे। उन्हें घोषित तौर पर चीनी समर्थक माना जाता है। अपने यहाँ जब वो चुनाव जीते और राष्ट्रपति बने तो सबसे पहले उन्होंने चीन का दौरा किया, इस पर भी बवाल हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि सब वक्त का खेल है, और जैसे जैसे ये बात उन्हें समझ में आ रही है वैसे वैसे उनके तेवर बदलते जा रहे हैं। सबसे पहले इंडिया आउट कैंपेन चलाकर जब उन्होंने राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाली तो सबसे पहले मुइजू ने भारतीय सैनिकों को मालदीव से हटाने का ऐलान किया और भारतीय सैनिकों को वहां से हटाया गया। फिर बाद में वहां पर सिविलियन व्यवस्था की गई जिसके जरिए भारत मालदीव की मदद को जारी रखेगा। ये सोचिए, भारत लगातार मालदीव की मदद करता रहा और इधर मुइजू भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते रहे। भारत की जो वहां टीम थी वो एक टेक्निकल टीम थी जो मालदीव में लोगों को अलग अलग आपदाओं से बचाने का काम किया करती थी। उन्हें एयर इवैक्यूएशन का मदद दिया करती थी ताकि लोग जो मुसीबत में फंसे हुए हैं उन्हें बचाया जा सके। लेकिन यही मुइजू थे जो उनका विरोध करते रहे, और जैसे जैसे अब ये बात पूरे मालदीव में फैली उसके बाद मुइजू को अपने सुर बदलने पड़े। पहले वो भारत के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन अब उनके सुर बदले हैं। भारत आने से पहले उन्होंने पीएम मोदी के तीसरे बार चुने जाने पर कहा कि उन्हें गर्व है, उन्हें खुशी है। उन्होंने ये भी कहा था कि वो भारत और मालदीव की दोस्ती के लिए हर संभव कदम उठाएंगे, भारत के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, भारत के साथ मजबूती से काम करेंगे। और अब ये जब तस्वीरें आपके सामने आई हैं जहां आपको मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू यहां भारत के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के समारोह में पहुंचे हुए हैं, वो कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी इधर उधर देख रहे हैं, और फिर वो आगे बढ़ते हुए आते हैं और फिर बगल में भारत के बेहद अच्छे दोस्त जिसे बांग्लादेश कहते हैं उनके पीएम के बगल में वो विराजमान होते हैं। जी हाँ, मुइजू का ये चेहरा और हाव भाव देखने लायक था। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक।